हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर करनाल पहुंचे। वे यहां पर पत्रकारों से भी रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखित संविधान लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं को वह नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी संविधान के मुताबिक न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, उनका काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सभी शहीदों को याद रखना चाहिए। आज हम उनकी बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों के हितों में है। उन्होंने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली शांतिप्रिय ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस एक बड़ा दिवस है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून किसानों के हित में बनाए हैं, क्योंकि वह देश के किसानों की आमदनी 2024 तक दुगना करना चाहते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम NDRI में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 800 पुलिसकर्मी, 200 गार्ड व 15 जगह नाके लगाए गए हैं। वहीं ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। कानून तोड़ने वालों पर कानूनी नियमों के तहत कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी और DC करनाल की किसानों के साथ बैठक हो चुकी है, जिसमें वह गणतंत्र दिवस पर कोई भी बाधा न डालने का आश्वासन भी दे चुके हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन NDRI के स्टेडियम में किया जाएगा। समारोह में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा परेड का निरीक्षण करेंगे। सर क्या कहेंगे, कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, उसकी शुभकामनाएं? 72वें गणतंत्र दिवस पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि ये हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है, इसको बड़ी धूमधाम से और खुशी से मनाएं, कि आज ही के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उन सभी संविधान निर्माताओं को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा संविधान हमारे देश को दिया, जिसके तहत ही हमारा देश न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट्री हो, सभी इसी के तहत काम कर रही हैं। तो मैं दोबारा से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन शहीदों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो आज़ादी हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको हम मेंटेन करके रखें, उसको बरकरार रखें। सर, किसान आंदोलनकारी इंसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से क्या अपील करें? देखो, हमारे केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने जो कानून बनाए हैं, 3 कानून, कृषि कानून, वो किसान के हित को देखते हुए बनाए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बार बार कहते हैं कि हमें 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और नए नए टेक्निक्स को आगे लाना है और इसी के जरिए हम अपने किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो किसानों को भी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके जो भी उनकी शंकाएँ हैं, क्योंकि हमारी सरकार बार बार किसानों से, संगठनों से बात कर रही है और जो भी उनकी शंकाएँ, उनको दूर करने का पूरा प्रयास कर रही है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए, कितने नाके लिए? देखिए, जैसा कि विदित है, गणतंत्र दिवस समारोह वो NDRI में मनाया जा रहा है। कल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और यातायात व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे, इसके लिए जिला पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। हमारे द्वारा जिला पुलिस के कुल 800 पुलिस कर्मचारी इस सारी प्रक्रिया में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 200 होमगार्ड भी हमने यातायात व्यवस्था के लिए लगाए हैं। साथ ही 15 जगहों पर हमने नाके लगाए हैं। कुछ रूट हमने बंद भी किए हैं, जिसके संबंध में पहले से हमने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी थी, ताकि आमजन किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अराजक तत्व है, किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही DC साहब की और हमारी किसान संगठनों के साथ बैठक भी हुई थी। उन्होंने भी अश्योर किया है कि कोई किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम नहीं देंगे जिससे गणतंत्र दिवस, जो कि हमारे लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है, उस कार्यक्रम में कोई बाधा पहुंचे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.